खराब नहीं हुई तो फिर उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? वो इसलिए गौरी क्योंकि हमारे सर में कुछ ऐसी नसें होती हैं जिनकी वजह से हमें दिखाई देता, और उस एक्सीडेंट के बाद स्नेहा के सिर की वो नसें खराब हो चुकी। रात हो गई है माँ। हाँ बेटा बहुत रात हो गई है। अब तो माँ मुझे ये भी पता नहीं होता कि दिन कैसा होता है। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि रंजीत अब भी इस दुनिया में जिंदा है, इसलिए पुलिस वालों ने जो सुमन जी पर इल्जाम आयद किए थे कोर्ट ने वो खारिज कर दिए। देखो विशेष, अगर तुम किसी बात पर दुखी हो तो तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम किसी और को दुखी करो। वैसे मैं आपसे कभी भी मिलने आ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा। मगर क्यों, क्या हुआ? वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन विक्रम साहब आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जब भी आपके घर आता हूं तो कोई ना कोई टेंशन हो ही जाती है। और फिलहाल सभी लोग स्नेहा को लेकर बहुत टेंशन में। मैं नहीं चाहता कि मेरे आने से सारी टेंशन और बढ़ जाए। अगर तुम विशेष की बात कर रहे हो वंग, तो मैं उसे समझा दूंगा। मैं जानता हूं कि आप उसको समझा देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके घर नहीं आना चाहता। हाँ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपका साथ चाहता हूं। जब तक मैं लेक्चर के लिए पहुंचा लेक्चर खत्म हो चुका था। लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। अरे भाई शकुंतला, स्नेहा को अंदर ले आओ, अकेली बैठी होगी। अरे स्नेहा आ जाओ बेटा। संभल के बच्चा। कोई बात नहीं मां, जब किस्मत ने अंधेरों को मेरा मुकद्दर बना दिया, मैंने भी ठोकरों को अपनी आदत में शुमार कर लिया। बस पता है मो, मुझे अब ठोकरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये क्या है नारायण? छड़ी है दीजिए। वो क्या है जीजी के, आज तक चाहकर भी मैं अपनी भांजी के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ये छड़ी इसके लिए लेकर आया। ले बेटा, आज से इसे अपने पास ही रखना है। मामा जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते। मैंने ऐसा क्या कर दिया विशेष? तुम मुझ पर इतना भड़क रहे? अरे मैं तो ये छड़ी इसलिए लेकर आया हूँ कि इसे मेरी भांजी को सहारा मिलेगा। स्नेहा को इन बेजान सहारों की कोई जरूरत नहीं है मामा जी। अगर मेरी बहन को सहारे की जरूरत है तो उसे सहारा देने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। वो मेरे कांधे का सहारा लेकर चलेगी। आज आपने ये छड़ी लाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि हम अपनी बहन को सहारा नहीं दे सकते। विशेष, तुम्हें इस तरह से नारायण को नहीं डांटना चाहिए। किस्मत ने अगर स्नेहा को मजबूर कर दिया है तो अब उन्हें इन सहारों की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। देखो विशेष, मैं ये चश्मा पहनता हूं, ये चश्मा भी तो बेजान है, मगर जब मैं इसे लगाता हूं तो मेरी आंखों में ताकत बढ़ जाती है। अगर स्नेहा इन सहारों का, इन चीजों का अगर सहारा लेगी तो उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी, उसके अंदर इत्मीनान पैदा होगा। देखो विशेष, स्नेहा के दिल पर
इस वक्त बहुत गहरी चोट लगी हुई है, इसलिए हमें उसके सामने ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे उसके अंदर का आत्मविश्वास बढ़े, उसे लगे कि वो ठीक हो सकती है। आज तो स्नेहा बिना सहारे की चल सकती है विशेष, लेकिन अगर उसके अंदर का आत्मविश्वास टूट गया ना तो हम उसे कभी संभाल नहीं पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, कभी संभाल नहीं पाएंगे। अचानक नहीं आकाश जी, हम आप ही से मिलने आए हैं। तो बताओ क्या बात है। आकाश जी, स्नेहा जी के साथ क्या हुआ था? क्या बताऊं गौरी, बस ये एक हादसा था जो मेरी स्नेहा के साथ हो गया। स्नेहा जी के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो एक हादसा था तो हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। हाँ गौरी, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, पर अफसोस इस बात का है कि ये हादसा मेरी स्नेहा के साथ हुआ। स्नेहा जी के साथ जो कुछ भी हुआ, आपको उसका अफसोस है? और मुझे लगता था कि आपको स्नेहा जी की तकलीफ का एहसास भी होगा। गौरी, मुझे एहसास है, मैं जानता हूँ स्नेहा की क्या तकलीफ है। अगर आपको स्नेहा जी की तकलीफ का एहसास है तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? मैं बात नहीं करना चाहता, ये तुमसे किसने कह दिया? स्नेहा जी ने खुद कहा हमसे। गौरी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ये बात है कि मैंने उससे कुछ दिन से बात नहीं की। यही तो आपकी गलती है आकाश जी। जानते हैं स्नेहा जी को आपकी और आपके प्यार की कितनी जरूरत है, और आपके बात न करने की वजह से वो कितनी परेशान है। उन्हें ऐसे लगने लगा क्या आप भी उन्हें छोड़ देंगे? नहीं 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 गौरी, मैं स्नेहा को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। अगर ऐसी बात है तो आप उनका फोन क्यों नहीं उठाते? मैं उसका फोन नहीं उठाता। हाँ, जी कह रही थी कि जब उन्होंने बुआ जी को इस बारे में बताया तभी भी आपने उनका फोन नहीं उठाया था। बुआ जी ने मुझे बताया तो था कि उसका फोन आया, लेकिन ये नहीं बताया कि स्नेहा मुझसे बात करना चाहती, और मैं भी ऐसा नहीं सोच पाया कि अगर मैं स्नेहा से बात नहीं करूंगा तो वो ऐसा वैसा सोचेगी। देखती दिन पर कुछ ना कुछ सोचती रहती है, ऊपर से आपने भी उनसे बात नहीं की तो वो खैर, अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप अभी फोन उठाइए और उनसे बात कीजिए। अगर ये बात है तो मैं उससे फोन पे बात नहीं करूंगा, उससे मिलकर बात करूंगा, और उसको जाकर कह देना कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जाओ।
स्नेहा जी। गौरी, आकाश से मुलाकात हुई? हाँ स्नेहा जी, हमारी आकाश जी के साथ मुलाकात हो गई। क्या कहा उसने? गौरी, कहीं उसने ये तो नहीं कहा कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाने की वजह से अब वो मुझे छोड़ना चाहता है? नहीं स्नेहा जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? नहीं स्नेहा जी, आपने हमें आकाश जी के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ गलत है, जबकि सच बात तो ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर गौरी, अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मुझसे बात क्यों नहीं करता? स्नेहा जी, वो आपके लिए बहुत दुखी है स्नेहा जी, इसलिए वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बुआ जी ने उन्हें ये बात बताई नहीं कि आप उनसे बात करना चाहती है। क्या इसका मतलब कि? हाँ स्नेहा जी, आपको गलत फहमी हो गई है। आप आकाश जी के बारे में इतना गलत सोचती है, जबकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि आपकी आंखें ठीक हो या ना हो, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गौरी, ये सब तुमसे आकाश ने कहा? हाँ स्नेहा जी, आप जानती स्नेहा जी, जब हमने आपके दिल की बात उन्हें बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। देख लेना स्नेहा जी, आपसे मिलने जरूर आएंगे। थैंक्स गौरी, जो तुमने मुझे सच्चाई बता दी, वरना मैं तो आकाश के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है ना कि आपसे कितना प्यार करते हैं। चलिए मैं खुश हूँ। आकाश स्नेहा से मिलने गया है। पर भाभी, अब उसे बार बार स्नेहा से मिलने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं, आकाश की स्नेहा से शादी होने वाली है, उसे तो स्नेहा का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भाभी, स्नेहा का ख्याल रखने के लिए उसकी पूरी फैमिली है, और रही बात शादी की, तो शादी तभी होगी ना जब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इसलिए कहती हूँ भाभी, आकाश को समझाइए कि जब तक स्नेहा ठीक नहीं हो जाती उससे दूर रहे, और जब वो ठीक हो जाएगी तो हम उसकी शादी कर देंगे। तुम ये क्यों भूल रही हो केतकी, कि स्नेहा की आंखों की रोशनी अक्की को बचाने की वजह से गई थी, इसलिए ना ही मैं और ना ही अक्की ये चाहेगा कि उसकी शादी में कोई रुकावट आए। भाभी, ये तो मैं भी नहीं चाहती, मैं तो इसलिए कह रही थी कि पहले स्नेहा का इलाज हो जाए, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर उसकी शादी हो तो बेहतर नहीं? स्नेहा की आंखों का इलाज शादी के बाद और यहाँ रहकर भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है केतकी। और हाँ, मैंने देवर जी से बात कर ली, कल हम सब स्नेहा को मिलने उसके घर जाएंगे।
कर। तुम चुप रहो स्नेहा। नाना सर। बहुत ज्यादा। पर मैंने क्या किया आकाश? तुमने कुछ नहीं किया स्नेहा, लेकिन तुमसे मैंने थोड़ी सी बात नहीं की तो तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। वो तो शुक्र है कि गौरी ने आकर मुझे सब कुछ बता दिया, वरना तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच लेती। पर आकाश, मैंने बुआ जी को फोन किया था और वो, मैं जानता हूँ कि तुमने बुआ जी से बात की थी और बुआ जी ने मुझे सब बता दिया, लेकिन मैं किसी कारण तुम्हें नहीं फोन पे बात करवाया और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, छोटी छोटी बातें सोच ली। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो तुम इतना कुछ सोच लोगी। अच्छा, I'm sorry आकाश, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। स्नेहा, मेरा दिल तो दुखा है पर इस बात के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि तुम्हारा इन बातों से, इन छोटी छोटी बातों से दिल दुखी है, इसलिए मैं तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ। नहीं आकाश, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं स्नेहा, जरूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। हाँ स्नेहा, मेरी ये जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को मैं पूरा निभाऊंगा। तो क्या आकाश, मैं जिंदगी भर ऐसी रहूंगी? मैं कभी ठीक नहीं होंगी क्या आकाश? नहीं स्नेहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। पर तुम्हें एक बात बताऊं कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे प्यार करता हूं, करता रहूंगा। हाँ स्नेहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सत्य आकाश। हाँ स्नेहा।